भारत का संविधान अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73(1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक और ख ख किसी संधि या करार के अधीन पर के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड क में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। दो, जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है ऐसे कार्यपालिका शक्ति का या कृतियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के से ऐसी सलाह या सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दो, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75(1) मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। एक का मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। एक खा किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्हित है अपनी निर्हता की तारीख के प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति से पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। उसमें से जो भी पूर्वतर हो कि अवधि के दौरान खंड एक के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए
निर्वहित होगा। तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तीन मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। चार किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। पांच कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। छह मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 एक राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। दो महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृतियों का निर्वाहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय परिवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। तीन महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। चार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा परिसार्मिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। सरकारी कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 एक भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। दो राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधि मान्यता इस आधार पर प्रसंगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। तीन राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।